रीवा जिले के जानेई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मनिका में बोरवेल के खुले गड्ढे में 6 वर्षीय मासूम के गिरने की सूचना पर आज मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पहुंचे, जिन्होंने पूरे घटना के संबंध में जानकारी लेते हुए बीते 20 घंटे से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को देखा। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही पल में रेस्क्यू टीम बोरवेल के गड्ढे में गिरे मासूम बच्चे तक पहुंच जाएगी। हम आपको बता दें, कल दोपहर 3 बजे ग्राम मनिका निवासी विजय आदिवासी का 6 वर्षीय पुत्र मयंक खेलते खेलते बोरवेल के खुले गड्ढे में गिर गया था, जिसके बाद से प्रशासनिक तंत्र हर संभव प्रयास करते हुए है बच्चे को बचाने का प्रयास कर रहा है। मयंक को बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकालने के लिए बीते 20 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे घटनाक्रम का निरीक्षण कर बच्चे को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए हैं। सर, आज आपने ये बोरवेल वाली घटना पर मौके पर पहुंचे हैं, क्या बातचीत हुई, अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? रेस्क्यू ऑपरेशन 45 फीट वर्टिकल गहराई पे एनडीआरएफ की टीम पहुंचने के बाद अब वो 10 फीट का हॉरिजॉन्टल खुदाई का काम शुरू किया उन्होंने, जिसमें से आधा हो गया है, आधा बचा है 5 फीट का, और स्टेटा थोड़ा हार्ड है, इसलिए ऐसा लगता है कि 2-3 घंटे कम से कम लगेंगे। और एनडीआरएफ की टीम का अंदाज ये है कि 45 फीट से जो हम अंदर जा रहे हैं, बच्चा उसके ऊपर ही होगा यहाँ, और वहाँ पहुँचने के बाद उस पॉइंट पर फिर वो वर्टिकल ऊपर जाएंगे और ईश्वर की यदि कृपा रहेगी तो हो सकता है कि बच्चा सुरक्षित हो जाएगा। घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इससे पहले भी कई बार ये घटनाएं आ चुकी हैं, अब शासन क्या तय कर रहा है? इससे पहले भी निर्देश जारी है लेकिन वो जमीन पर नहीं दिखाई दिए। नहीं, अब इसकी हम समीक्षा करेंगे और ये बहुत गंभीर और दुखद हृदय विदारक घटना हो गई है कि लोग करते हैं और देर के बाद उसको हल्का फुल्का भरते हैं, पूरी तरह से उसका काम कटा हुआ गेहूँ और वहीं से वो बच्चा अंदर चला गया। यदि वो ओपन गड्ढा होता तो एक बार आदमी दाएं बाएं से संभल भी सकता है। तो ये इसकी समीक्षा करके पंचायत वार, गाँव वार, इस प्रकार के कितने बोर हैं जो किए गए, जिसमें फिर पानी नहीं किया गया, उसको छोड़ दिया गया, क्या उसका रिक्लेमेशन प्रॉपर, लेकिन अभी तो सबका फोकस इस बच्चे को सुरक्षित बचाने का है, जिसके लिए पूरी टीम। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमने रेस्क्यू टीम लगाई हुई है, लेकिन बारिश से मिट्टी गीली होने के कारण काफी कठिनाइयां आ रही हैं। बच्चे को बचाने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी वह सब करेंगे। हमारे विधायक सिद्धार्थ तिवारी और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मौके पर हैं। कलेक्टर, एसपी से मेरी लगातार बात हो रही है, रेस्क्यू टीम लगी हुई है, उम्मीद कर रहे हैं कि हम सब मिलकर सफल होंगे। डॉक्टर यादव ने कहा कि मैंने प्रशासन को पहले भी निर्देश दिए हैं और पुनः निर्देश देता हूं कि किसी भी क्षेत्र में अगर खुले हुए बोरवेल हों तो उनको तुरंत बंद कराया जाए, खासकर ऐसे सूखे बोरवेल जिनमें पानी नहीं आता, इससे जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान होता है, इससे बचना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में ऐसी घटना नहीं होगी। रीवा जिले के मनिका गांव में एक बालक सूखे बोरवेल में खेलते खेलते चला गया। बड़ी दुख की बात है, हमने रेस्क्यू करने के लिए वहाँ टीम लगाई हुई है, लेकिन बारिश और मिट्टी में धंसा होना, गीला होने के कारण से काफी कठिनाई आ रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रशासन पूरी ताकत के साथ में हमारे अपने बालक को बचाएगा और इस संबंध में जो जो बन पड़ेगा वो सब करेंगे। मेरे अपने विधायक मित्र सिद्धार्थ तिवारी वहीं मौके पे है, कलेक्टर से मेरी बात हुई, एसपी से बात हुई, सारी रेस्क्यू टीम लगी हुई है, उम्मीद करेंगे कि हम सब मिलकर के सफल हों। अत्यंत दुखद है, मैंने प्रशासन को पहले भी निर्देश दिए, दोबारा निर्देश दे रहा हूं कि ऐसे कोई बोरवेल किसी क्षेत्र में हो उनको वो तुरंत बंद कराए, खासकर ऐसे सूखे बोरवेल जिसमें पानी नहीं आता, लेकिन ये जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो इससे बचना चाहिए और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में ऐसी घटना न